सामने लाइव न्यूज चैनल में देखेंगे आज की खास खबर। दूध डेयरी में छापा, असली है या नकली, जांच में होगा खुलासा। टीकमगढ़ शहर के मामून दरवाजा स्थित नायक दूध डेयरी में फूड इंस्पेक्टर ने छापा मार कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए का चालान किया है। बताया जा रहा है कि नायक दूध डेयरी में नकली दूध की शिकायत मिल रही थी। एसडीएम मनोज प्रजापति के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए दूध और पनीर के सैंपल भोपाल भेजे गए। वहीं फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि जांच के बाद ही सच सामने आएगा, दूध असली है या नकली। वहीं नायक दूध डेयरी संचालक रविशंकर नायक से मीडिया टीम ने सच्चाई जानी तो नायक दूध डेयरी का दूध और पानी का पानी हो गया। अच्छी बात है, उनके कहने अनुसार मैं कहता हूं कि आप 1 लीटर दूध में 1,000 रुपये के ले लूंगा उनसे। वो नकली दूध बना के हमें दिखाते कैसे बनता है, वो कैसे बनाया जाता है। नायक जी हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस के अलावा एक बहुत धार्मिक आदमी है कि जनसेवा में किसी के पास पैसा है या नहीं है, वो दूध खाने की चीज़ें वगैरह जो देने, अभी लॉकडाउन के पहले भी ये काम करते थे और लॉकडाउन के बाद उन्होंने बहुत जनसेवा का काम किया है। और जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बेफिजूल की बातें हैं। और इनके जो भी जो ऐसा कर रहे हैं उनके उन्हें आने वाली नस्लें उनके प्रायश्चित करना पड़ेगा उन्हें, कि ऐसा किसी के साथ बुरा करना अच्छी बात नहीं है। और मेरा सबसे निवेदन यही है कि नायक दूध डेयरी वाले हैं, अब कोई भी ऐसा करता है वो गलत करता है, मगर कोई नहीं कर सकता, ऐसा इसलिए नहीं कर सकता तो उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है और उससे समाज में रहना है, इसलिए ये काम सब गलत हैं। और नायक जी के लिए मैं निवेदन है उनसे भी और जो जिसने भी उनका दिल दुखाया है उनके प्रति भी मैं कहता हूँ कि नायक जी आप के साथ मैं सहानुभूति रखता हूँ कि आपने कोई गलत काम नहीं करते, जिसने किया है वो भगवान पे छोड़ो, भगवान उन्हें उनकी सजा दे। नकली दूध बेचने के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं नायक रविशंकर नायक डेयरी वालों पर, तो क्या आरोप सही है या गलत है? आरोप कैसे हो जाए साफ सही कितने है, कैसे कर रहा है, दिन भर हम खुद देख रहे हैं, 24 घंटा हम पड़ोस में रह रहे हैं। 3 बजे से आदमी ना जहाँ से सागर से दूध आ रहा हो, सागर से दूध नकली दे आ रहे थे, ऐसे 3 बजे रात में रोक के उठ के आदमी डिलीवरी कर रहा हो, 1 पैकेट पे 2 रुपया मिल रहा, 2 रुपया के लाए कौन नकली दूध बनाए हैं, असली दूध तो आदमी ले नहीं रहे, मारे मारो फिर रहो दूध गाँवन में जाओ तो आप एक बार हमारे साथ चलो, जिसको देखना है तो दूध की स्थिति क्या है, कि आदमी 10 रुपये लीटर भी नहीं ले रहा है कोई इस टाइम पे, वो फेंक रहा है दूध उधर पे गाँव में, और भी कह रहा है नकली दूध, असली दूध की तो पूरी खपत नहीं हो पा रही, कहने वाले अपनी अपनी बात मना रहे, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, तो प्रथम दृष्टि में क्या नजर आता है, नकली है या सिंथेटिक दूध नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टि तो हम मतलब उसके बेस पर शिकायत के बेस पर प्रशासन को शिकायत मिली थी। अच्छा, उसके बेस पर सैंपल लिया गया है, अब वो जांच के लिए भेज दिया गया है खाद्य प्रयोगशाला, अब वहाँ की रिपोर्ट की बात बताया जा सकता है कैसे। अभी सर 2019 में इनके ऊपर जो जुर्माना हुआ था किस संबंध में हुआ था, क्या नकली दूध पाया गया था या सिंथेटिक? नहीं नहीं, वो सब स्टैंडर्ड होता है, ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि एक क्राइटेरिया होती है किसी उस मतलब खाद्य पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ से यदि कम लेवल का होता है, अब वो किन कारणों से कम हुआ ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कोई ऐसा सिंथेटिक या मिलावट का ऐसा कोई हुआ है, केवल ये है कि जैसे फैट का जो स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं पाया। आप कितने समय से ठीक हैं? हमें 10 साल हो गए। अभी तक कितने सैंपल लिए गए और कितने उनमें नकली दूध पाया गया? नहीं, नकली दूध नहीं, सिंथेटिक दूध अभी तक एक भी नहीं मिले। नहीं मिला सिंथेटिक दूध, एक भी नहीं मिले आज 10 साल की।